Hey everyone, this is Shimani and welcome to Student Khabri. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Bachelors of Vocational Courses के बारे में, यानी कि BVoc. भाई ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सारे अपडेट्स के लिए स्टूडेंट खबरी से. इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट कोर्सेज. Just to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. चलिए बात करते हैं BVoc के बारे में. यार तो ये 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर्स हैं. बेसिकली इस कोर्स में क्या है, इस कोर्स में ये है कि भाई ये प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. आप सॉफ्टवेयर में ले लो, एप्लीकेशन में ले लो, ऑटोमोबाइल्स में लो, मेनली ये प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ एम्फसाइज करता है इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. BVoc जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी अभी गेन कर रहा है इंडिया में, क्योंकि वो स्किल्ड बेस्ड नॉलेज देता है. मतलब जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में कि प्रैक्टिकल नॉलेज इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करते हैं. मतलब स्किल बेस्ड एजुकेशन है. तो हर आईटी कंपनी, हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या चाहेगी कि भाई मेरे इंसान को क्या लिखना है या उसको करना है. तो ऑब्वियसली अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो चाहेगी कि भाई जो भी एम्प्लॉय जिसको रख रहे हैं हम, उसको कपड़ा बनाना है, ना कि सिर्फ कपड़ा बनाने का बताना है प्रोसेस, या याद हो उसको, उसको बनाना आना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल आना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो उसको रिक्रूट करेगी. तो भाई BVoc ना काफ़ी ज़्यादा अभी पॉपुलैरिटी में है, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, डिमांड में है. BVoc बेसिकली बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकेयर हो गया, आर्ट्स एंड साइंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, बैंकिंग एप्लीकेशन, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन. मतलब इतनी सारी वास्ट चीज़ों पे ये BVoc फोकस करता है. अगर आपको इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट हो, जैसे मुझे मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है या मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, तो यू आई कैन ऑप्ट फॉर BVoc साइंस या BVoc मैनेजमेंट. BVoc उनके लिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है और थ्योरेटिकल नॉलेज कम दिया जाता है. कम नहीं कह सकते, मतलब अगर कंपेयर करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है. और अगर भाई इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो 10+2 के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं और 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए. कुछ कॉलेजेस आपको 50 से अबव मांगते हैं, 60 मांगते हैं, 70 मांगते हैं, 80 मांगते हैं, और कुछ कॉलेजेस रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे भी आपको एडमिशन देते हैं. तो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कॉलेज की अलग अलग है. किसी पर्टिकुलर कॉलेज का मैं नहीं बता सकती, मगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज का जानना हो या किसी पर्टिकुलर कॉलेज की डिटेल जाननी हो तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में ना एक स्टूडेंट एनालिसिस फॉर्म है, आप उसमें अपनी डिटेल्स भरिए, आप उसमें अपना क्वेश्चन पूछिए, हम आपकी डिटेल्स के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको कॉलेज सजेस्ट करेंगे. और भी भाई किसी कॉलेज के बारे में क्वेरी हो तो वो भी पूछिए, वो भी हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द से जल्द. तो जैसा कि मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ही रही थी, तो CUCT है जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है, फिर IPUCT गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ये एंट्रेंस टेस्ट है, फिर है CUST जो कि कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस टेस्ट है, AMUEE जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है. भाई ये कुछ एंट्रेंस टेस्ट हैं जिनके बेसिस पे आपको BVoc में एडमिशन मिल जाएगा इन इन कॉलेजेस में. तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो और इन टेस्ट को क्लियर कर आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. BVoc में ना काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन है. अगर मैं बात करूँ सबसे पहले BVoc के पहले स्पेशलाइजेशन की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, 3 साल का कोर्स है, UG कोर्स है, सेमेस्टर वाइज है, 10+2 में आपको 55% मार्क्स होने चाहिए, मेरिट बेस्ड है, एंट्रेंस बेस्ड है. और अगर फीस की बात करूँ तो 12,000 से 2,15,000 तक फीस डिफर करती है, डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज चूज कर रहे हैं. अगर सैलरी की बात करूँ तो 3 लाख से 7 लाख तक सैलरी डिफर करती है. जॉब पोजिशन देखें तो एप्लीकेशन डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, कोडर, वेबसाइट डेवलपर, एल्गोरिथम डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर जैसी आपको जॉब प्रोफाइल पे काम करने को मिलेगा अगर आप BVoc सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं. फिर नेक्स्ट आता है BVoc स्पेशलाइजेशन में बैंकिंग एंड फाइनेंस. अगर आप उससे करते हैं तो UG कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, सेमेस्टर बेस्ड है, 10+2 में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए. कोई भी स्ट्रीम से आप ये चीज कर सकते हैं और मेनली आपको इसमें एडमिशन आपको मेरिट बेसिस पे मिल जाता है, 12th के मार्क्स के बेसिस पे मिल जाता है. इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 34,000 से 1,80,000 तक फी डिफर करती है. अगर सैलरी देखें तो भाई 3,50,000 से 4 लाख तक सैलरी जाती है इसकी. और अगर जॉब पोजीशंस देखें तो फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल ऑफिसर जैसी कई सारी जॉब्स आपको अगर आप BVoc बैंकिंग एंड फाइनेंस से करते हैं तो काफ़ी सारी जॉब प्रोफाइल्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगी. थर्ड यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है BVoc रिटेल मैनेजमेंट. अगर इसकी बात करें तो ये भी UG कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, सेमेस्टर बेस्ड है, 10+2 में आपको 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आपको ये कोर्स करना है BVoc रिटेल मैनेजमेंट तो. और अगर फीस देखें तो 21,000 से 1 लाख तक इसकी फीस डिफर करती है. ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज आप चूज कर रहे हैं, किस कॉलेज से आप ये कोर्स करना चाहते हैं. और भाई अगर एवरेज सैलरी देखी जाए तो 2,50,000
तक इसकी सैलरी डिफर करती है। जॉब पोजीशन देखें तो कस्टमर सेल्स एसोसिएट, रिटेल बायर एंड मर्चेंडाइजर, फ्लोर मैनेजर जैसी कई सारी जॉब प्रोफाइल्स आपको इससे मिल सकती हैं। फिर आता है बीवॉक इन बेकरी एंड कुकिंग। तो भाई ये भी यूजी कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, 10+2 में आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है, 360,000 इनकी कोर्स की फीस है अप्रॉक्स, और अगर सैलरी देखें तो 4 लाख तक इनकी सैलरी जाती है। जॉब पोजीशन की बात करूँ तो शेफ्स, सूस शेफ, पेस्ट्री शेफ, बेकरी शेफ्स, मतलब आप फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फूड प्रोडक्शन में जा सकते हैं। फिर आता है बीवॉक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, यूजी कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, सेमेस्टर बेस्ड है, 10+2 में 50% मार्क्स, मेरिट के बेसिस में एडमिशन होता है, 60,000 से 1,80,000 तक फी है इनकी एडमिशन की, और अगर सैलरी देखें तो 2 से 3 लाख तक सैलरी डिफर करती है। और जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो प्रोक्योरमेंट मैनेजर, डिमांड प्लानिंग एनालिस्ट, एक्सप्लोर सेल कोऑर्डिनेटर, सप्लाई चेन कंसल्टेंट जैसी कई सारी जॉब प्रोफाइल्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। मेरिट बेस्ड है, अगर सैलरी देखें तो 2 से 5 लाख तक सैलरी डिफर करती है, फी देखें तो 1.9 लाख तक इनकी फी है। जॉब पोजीशन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेड टेक्नीशियन ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जैसी कई सारी जॉब्स आप इसके बाद कर सकते हैं। तो भाई ये तो हो गई स्पेशलाइजेशन, काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन। इसके बाद बीवॉक ऑटोमोबाइल भी इंक्लूड करता है, वो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। बीवॉक में ऑटोमोबाइल स्टडीज भी है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे और भी स्पेशलाइजेशन कोर्स हैं, उनके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप जाकर हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और भाई वीडियो ख़त्म होने पर आ गया है, मगर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। भाई बीवॉक के में क्या क्या सिलेबस है, तो IT फाउंडेशन एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स है, वेब डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग इन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है OS है, वेब डिजाइनिंग लैब्स है, वेब डिजाइनिंग, जावा प्रोग्रामिंग, विजुअल प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर HNW एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर लैब, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एडवांस जावा जैसे कई सारे कोर्सेज हैं सिलेबस के अंदर। हाँ तो यार अब देख लेते हैं कौन से कॉलेजेस हैं इसके लिए, बीवॉक के लिए कौन से कॉलेजेस हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मगर जैसा मैंने कहा कि भाई आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेज अगर आपको चाहिए, मतलब मुझे ये कोर्स चाहिए, मुझे कॉलेज में ये चाहिए, ऑब्वियसली सब किसी की डिमांड होती है, सब किसी की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं कॉलेज को लेकर, तो भाई नीचे स्टूडेंट फॉर्म फिल करो ना, स्टूडेंट एनालिसिस फॉर्म को फिल करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया है उसमें अपनी डिटेल्स दीजिए और उसको फिल कर भाई हम देखेंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या डिमांड है, उस हिसाब से आपको कॉलेज सजेस्ट करेंगे। यहाँ पर फिर भी मैं कुछ कॉलेजेस यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, और भी कई सारे कॉलेजेस हैं। भाई अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेज अगर आपको चूज करना है तो नीचे दिए हुए स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर पूछ लीजिए ना यार हमसे कि आपको कौन सा कॉलेज सही लगेगा, आपके लिए कौन सा कॉलेज चाहिए। तो भाई यार वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, देख लेते हैं कि अब क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं। तो फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर है जो कि 5 लाख तक इनकी सैलरी जाएगी, कंप्यूटर ऑपरेटर है 3 लाख तक सैलरी जाएगी, अकाउंटेंट है 2.5 लाख तक सैलरी है, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन है 6 लाख तक इनकी सैलरी है, और वोकेशनल प्रोफेसर टीचर है 10 लाख तक सैलरी रहेगी इनकी। तो ये जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बीवॉक कोर्स कर रहे हैं और ये उनकी सैलरी रहेगी। कोर्स ओवरऑल बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है जैसा मैंने बताया, थ्योरेटिकल भी देता है बट बैलेंस करके चलता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज को भी। तो भाई अगर आपको परस्यू करना है तो कोर्स आपके लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टाटा। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.